यह धरती महात्मा ज्योतिबा फुले की धरती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, सावित्री बाई फुले और राजगुरु की धरती है। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी, बहुत बड़े बड़े स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी और बड़े बड़े किसान नेता भी धरती से पैदा हुए, जिन्होंने पूरे देश में समता का, भाईचारा का, आजादी का संदेश दिया। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी साथियों ने अपनी बातें रखी हैं। दो चार बात आपने करना है। पहली बात तो ये कि घर बैठने से काम नहीं मिलेगा, लड़ाई को करना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई है और बड़ी लड़ाई छिड़ गई। यहाँ किशोर जी भी, कालकुट्टे जी भी, राजेंद्र बाबू के ये सारे लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली गए थे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रुल्लू सिंह, जो बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी, सिंघू बॉर्डर पर भी, सब जगह पहुंचे, पंजाब के बड़े किसान नेताओं में एक, उन्होंने कमेटी के भीतर एक सवाल पूछा कि देश में हर किसान कार्यकर्ता को, मजदूर कार्यकर्ता को अपने से एक सवाल पूछना है, इस बड़े किसान आंदोलन के लिए उसने क्या किया। उसने क्या किया जब देश की खेती बेची जा रही, जब देश का अनाज बेचा जा रहा था, जब देश में फिर से कंपनी राज लाने की कोशिश की जा रही, तो उसने क्या किया। यह सवाल हमसे भी है, यह सवाल सभी कार्यकर्ता को अपने से पूछना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई को छिड़ना पड़ेगा। सलाम है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए पंजाब के किसान भाइयों को, हरियाणा के किसान भाइयों को, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाइयों को, जो 26 तारीख को 10 महीना होगा, जाड़ा गर्मी बरसात, सरकार का दमन अपमान सब कुछ झेलते हुए डटे हुए, और केवल पुरुष किसान नहीं, महिलाएं भी, हजारों हजार की तादाद है, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ट्रैक्टर की ट्रॉलियां लगी हुई है, सब में लोग जमे हुए, सीमा पर डटे हुए दिल्ली के बोर्ड घेर कर, तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसलिए कि अगर इन तीन कानूनों को हम वापस नहीं कराए तो हमारी खेती हमारे हाथ में नहीं बचेगी। अभी कांग्रेस के विधायक आए थे और पत्रकार पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ये जो तीन कानून दिल्ली में, उसी तरह का कानून यहां भी बना के लाएगी, तो विधायक भी थोड़ा सरकार से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार भी। अगर आप विपक्ष के हैं, अगर आप कांग्रेस के हैं, अगर आप एनसीपी के हैं, अगर आप अन्य दूसरी पार्टी के हैं, आप भाजपा विरोधी पार्टी के हैं, तो अभी कोई कदम आपको ऐसा नहीं उठाना है जिससे देश का किसान आंदोलन पूरा विफल हो। इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई कोई भी कमजोर हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। तो पहले से नियम है कि जो सरकार एमएसपी घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस वर्ष धान का 1868, बाजरे वगैरह का क्या था तो बताएंगे, बाजरा का समर्थन मूल्य घोषित हुआ, ज्वार का नहीं। इन फसलों पर हमारी मांग है, जो भी किसान उपजाते हैं
सारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब जो उपजाने में खर्च लगता, जुताई में, पटवन में, मजदूरी में, खेत का किराया, परिवार का पूरा श्रम, जो भी उपजाने में पूरा हमारा दाम लगता है, उस पर 50% मुनाफा जोड़ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे, यह हमारी मांग है। यही एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर नहीं है बोल रहे, क्योंकि खेती जब हम कर रहे हैं तो उसी के उपज पर हमको जीना भी है। तो ये सिस्टम एक है, अब सरकार इसके हाथ पीछे खींचना चाहती है। पूंजीपति का जब दुकान लगेगा तो जब हमारी उपज होगी तो सस्ता कर देंगे, भाव गिरा देंगे, खरीद लेंगे, और उनके पास स्टॉक हो जाएगा तो उसके बाद महंगा करके बेचेंगे। यही वो करना चाहते, जैसे जियो का सिम कैसे था, कुछ दिन फ्री मिलता था, अब जियो का सिम फ्री मिलता है, नहीं मिलता है।